हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप कोविड वैक्सीनेशन के लिए यानी कि कोविड वैक्सीन लेने के लिए आप कैसे खुद को रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सर्च एड्रेस पे क्लिक करना है, COWIN कोविन डॉट जीओवी डॉट IN स्लैश होम। आपको ये एड्रेस को टाइप कर लेना है। ये जैसे आप टाइप कर लेते हैं इसको, तो इसको पूरा टाइप करने के बाद आपको जस्ट सर्च पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम सर्च पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो थोड़ा वेट करने के बाद ही हमको कुछ अलग इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ आपको देखने को पूरा ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट जो है वो निकल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ या रजिस्टर विथ आरोग्य सेतु, तो आरोग्य सेतु से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अभी आरोग्य सेतु से रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पूरा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे नीचे में देखिए यहाँ पे टोटल वैक्सीनेशन का जो रिपोर्ट है, अभी तक का कितना वैक्सीन अभी तक का कितना वैक्सीन ले लिया गया है, मेल कितने लिए हैं, फीमेल कितने लिए हैं, ये डोज कितना लिए हैं और डोज टू कितने लिए हैं, तो ये सारा यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिलता है। तो रजिस्टर योर सेल्फ में हम लोग क्लिक करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर जो है जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो ये मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट OTP जो दिख रहा है यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे OTP हम दिखा देते हैं ये स्क्रीन पर। तो ये OTP जो है आपको यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर फिल करके फिर वेरीफाई क्लिक करना है। वेरीफाई जो हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमसे पूछता है, जैसे कि फ़ोटो ID, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, पेंशन पासबुक, फिर नीचे में NPR स्मार्ट कार्ड, फिर वोटर ID, यहाँ पे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे एंटर करके जब फिर डॉक्यूमेंट का जो नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे कि मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है तो अभी पैन कार्ड का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पैन कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे एंटर कर दिया है, और फिर ये डॉक्यूमेंट में जो नंबर जिस नाम से आपका डॉक्यूमेंट है वो नाम को यहाँ पे एंटर करना है, सेम टू सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे एंटर करना है वो नेम को। तो हम यहाँ पे अपना जो नेम है, जो डॉक्यूमेंट में नेम है, हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने सेम टू सेम एज इट इज़ अपना नेम को यहाँ पर एंटर कर लिया है। फिर एंटर करने के बाद फिर आपको नीचे में देखिए जेंडर, यहाँ पर आप मेल, फीमेल या अदर्स, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर नीचे में अपना डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो ईयर है लास्ट का जो 4 डिजिट का ईयर जो है वो यहाँ पे देना है। जैसे कि मेरा 1995 है तो ये मैंने अपना ईयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे दे दिया। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ईयर एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ओपन है ये 45 ईयर्स के ऊपर के लोगों के लिए ही है। तो ये जो 45 ईयर्स के ऊपर के लोग अगर है तो ये आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपका अभी जो 18 के बाद के जो एजेस है उनका जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 28 अप्रैल। तो आशा करता हूँ कि आप 28 अप्रैल को अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि रजिस्ट्रेशन करने में किसी को देरी ना हो और जल्दी से जल्दी